हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे हाथ में एक नोकिया का फ़ोन है और ये फ़ोन जो है बिल्कुल नया आया हुआ है मार्केट में, बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है ये। और इस फ़ोन की वीडियो भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो है सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है और ये नोकिया का बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है। और इस फ़ोन का जो सिक्योरिटी कोड हम अनलॉक करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से। तो दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इसका सिक्योरिटी कोड अनलॉक करेंगे। और दोस्तों मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आपके पास मेडिकल क्रेग है 2.27 2.29 तो उससे भी आप जो है इसका सिक्योरिटी कोड अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर क्या है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे मॉडल नंबर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मॉडल नंबर है TA1010। तो दोस्तों ये TA1010 का जो मॉडल है, इस मॉडल का कोई भी वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलने वाला है। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि अपने मेडिकल बॉक्स से कैसे हम इसका जो सिक्योरिटी कोड अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। ऐसे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कैसे इस मोबाइल को हमें अपने मेडिकल टूल से बूट करना है। तो एक तरफ हम आपको यहाँ पे मेडिकल टूल दिखाने वाले हैं और दूसरी तरफ हम आपको जो है इस मोबाइल का जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं एक साथ, ताकि आपको समझ में आएगा कैसे इस मोबाइल को बूट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ और एक तरफ मेडिकल टूल दिखा रहा हूँ। उसके बाद चलिए हमें इस मोबाइल को अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बूट नंबर है और मीडियाटेक MTK हमने सेलेक्ट किया है और इसमें बूट नंबर यहाँ पे जितनी सारी बूट आपको दिख रहा है, ये बूट जो है आपके जो वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बूट है और वो ही बूट इसमें जो इस मोबाइल में जो इस मॉडल में वर्क करेगा, बाकी कोई भी बूट जो है इसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो AT1010 है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने सब में ट्राई किया, किसी में भी जो है इसका अनलॉक नहीं हुआ और सिर्फ ये 1110 आप देख रहे हैं इसी बूट में जो है, बूट नंबर 12 में जो है सिर्फ इसका ये वर्क कर रहा है। तो चलिए इस बूट नंबर 12 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रीड अनलॉक पे हमने चेक लगा दिया है और सिंपली हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है। उसके बाद हमें मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को बूट कराने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल का बैटरी हमें निकाल देना है, उसके बाद बैटरी मोबाइल में फिर से लगा देना है और मोबाइल को ऑन नहीं करना है, बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है मोबाइल को। उसके बाद सिर्फ आपको डाटा केबल इसमें लगा देना है और जैसे आप डाटा केबल लगा देंगे और आपका मोबाइल यहाँ पर बूट करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका पासवर्ड हम जो है रीड कर रहे हैं और इसका पासवर्ड हम रीसेट नहीं कर रहे हैं। और चलिए जब तक इसको रीड होने के लिए देते हैं, उसके बाद आगे हम आपको लास्ट में अंत में आपको बताते हैं कि इसे अनलॉक कैसे करना है और इसे कंप्लीट रीसेट कैसे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पासवर्ड जो यहाँ पे रीड हो चुका है और इसका पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है 99340, ठीक है। तो इस पासवर्ड को जो है हम इस मोबाइल में डालेंगे और फिर उस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे। और मान के चलिए कि अगर उस मोबाइल को हमें जो उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसे हमें डिलीट नहीं करना है, तो सिर्फ इस पासवर्ड को जो है डाल करके हम सेटिंग में जा करके इसका जो सिक्योरिटी कोड है उसे ऑफ कर दें। यदि अगर मान के चलिए इसे हमें कंप्लीट रीसेट करना है, इस पासवर्ड को हमें नहीं रखना है, तो हम इसमें जाकर के क्या करेंगे, इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या इसका डाटा फैक्ट्री को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।